कांग्रेस को मिलेगा नया सिंधिया, गद्दारों में मचा हड़कंप, मध्य प्रदेश में होगी कांग्रेस की धाकड़ जीत। बता दें मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश के सभी अंचलों में कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस एक बार फिर 2018 विधानसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने के लिए जमीनी स्तर पर कमर कस रही है, तो वहीं बीजेपी पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में है। ऐसे में एक एक अंचल पर दोनों दलों का विशेष फोकस है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद इस अंचल के सभी समीकरण बदल गए हैं। हालांकि कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसे कई नेता हैं जो सिंधिया की जगह ले सकते हैं, जिनमें कांग्रेस के कद्दावर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री लखन सिंह, पूर्व मंत्री केपी सिंह, युवा चेहरे जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। लेकिन अब तक कांग्रेस में इस तरह का सामंजस्य नहीं बन पाया है कि किसी एक के चेहरे पर कांग्रेस यहां आगे बढ़े, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना है तो उसे ग्वालियर चंबल में खुद को मजबूत करना होगा। एक तरफ कांग्रेस ने भले ही किसी नेता को अब तक ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस से इतर बीजेपी के पास अंचल में दिग्गज नेताओं की भरमार है। बीजेपी की ओर से जहां दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के संगठन मुखिया बीडी शर्मा ग्वालियर चंबल से आते हैं, जबकि प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा भी इसी अंचल से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने भी यह परेशानी हो सकती है कि वह किस नेता को आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटों पर विजयश्री हासिल हुई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर अंचल के 15 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, जिसके बाद हुए उपचुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी और 7 सीटों पर कांग्रेस अपना किला बचाए रखने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2023 की परिस्थितियां कुछ अलग नजर आ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाती है। फिलहाल ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सरोकार इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक बने रहे सरोकार इंडिया के साथ। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की।